शिव की शिव शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा महान शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। वैवस्वत मन्वंतर के अंत में प्रलय के पश्चात भी सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रलय के अधिष्ठाता भगवान शिव की अनादि अनंत सदाशिव ज्योति प्रकट थी। इसी सदाशिव ज्योति से चतुर्भुज विष्णु तथा चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान शिव ने अपनी सदाशिव ज्योति के माध्यम से ब्रह्मा विष्णु को आदेश दिया कि वे सृष्टि के सृजन तथा पालन का कार्य प्रारंभ करें। सदाशिव के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मदेव ने विष्णु की तपस्या से उत्पन्न ब्रह्म जल को उद्वेलित करके सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया। सृष्टि की आदि में प्रकृति उत्पन्न हुई तथा ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से सनकादि चार बाल ऋषि तत्पश्चात मरीचि आदि ऋषि प्रकट हुए। तदनंतर ब्रह्मा ने देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति तथा कामदेव आदि को उत्पन्न किया जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मा के निर्देश पर ये सब अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मा की दुविधा को दूर करने के लिए शिव शक्ति ने उन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए। शिव शक्ति के इस सम्मिलित रूप का अवलोकन करके ब्रह्मा धन्य हुए। ब्रह्मा की प्रार्थना पर भगवान शिव ने रुद्रावतार लेकर कैलाश पर प्रकट होने तथा माता शक्ति ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में नारी अवतार लेने का वचन दिया। शिव शक्ति के दर्शन से प्रेरणा पाकर ब्रह्मदेव ने अपने दाहिने अंग से मनु तथा बाएं अंग से शतरूपा को प्रकट किया तथा उन दोनों को नर नारी के रूप में प्रजोत्पत्ति का आदेश दिया। तत्पश्चात महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव रुद्र रूप में शिव गणों सहित प्रकट हुए। शिव के कैलाश पर प्रकट होते ही सारी सृष्टि आनंदित हर हर महादेव। नारायण नारायण। सुंदर अति सुंदर
नारायण नारायण। प्रणाम। प्रणाम देवी। आयुष्मान भव, प्रजापति महाराज दक्ष कहाँ है? महाराज तो प्रजा के कुशल मंगल के लिए भ्रमण पर गए हुए हैं। नारायण नारायण। प्रजापति दक्ष, परम पिता की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य ठीक से निभा रहे हैं। हमारी महारानी वेणी कहाँ है? वे अपने शयन कक्ष में है मुनिवर, आइए पधारिए। अवश्य। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम मुनिवर। हर हर महादेव। महारानी वीरनी, आपने मुझे पहचाना? भला आपको कौन नहीं पहचानेगा देवर्षि। इसका अर्थ आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपके पतिदेव का ज्येष्ठ भ्राता हूँ, इस नाते मैं आपका ज्येष्ठ हुआ। तब तो आपके चरण छूने चाहिए देवर्षि। नहीं नहीं, यह अनर्थ ना कीजिए। मेरे चरण स्पर्श करके मुझे पाप में न डालिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देवर्षि? इसलिए कि आप सारे जगत की माता की होने वाली माता हैं। ऐसी महान माँ और मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के चरण छुए। आप क्या कह रहे हैं देवर्षि, मैं कुछ समझी नहीं। वीरनी, भ्राता दक्ष को दिए गए वरदान के अनुसार भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति आपकी पुत्री के रूप में जन्म लेने वाली है। आप तो संसार की सबसे मंगलमय माता बनेंगी और शीघ्र बनेंगी। मैं आपके स्वरूप को बार बार प्रणाम करता हूं। मैं शक्ति की माता बनूंगी। धन्य है देवर्षि, आप धन्य हैं। नारायण नारायण। देवऋषि। प्रणाम देवऋषि। आयुष्मान भव, हमारे अहोभाग्य जो यहाँ आपका आगमन हुआ। नारायण नारायण। आगमन तो मेरा कब का हो चुका, अब तो गमन की बारी है। आप लोगों से मिलने चला आया। भ्राता दक्ष, शीघ्र जन्मोत्सव का प्रबंध करो। नारायण नारायण। स्वामी। महारानी वीरनी, भ्राता श्री नारद यहाँ आकर वातावरण में प्रसन्नता बिखेर गए। हाँ। एक शुभ समाचार सुना गए। हाँ, जिसके लिए आपने कठोर तपस्या की थी स्वामी। हाँ स्वामी, देवर्षि बता गए हैं कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पुत्री के रूप में शीघ्र ही जन्म लेने वाली है। अर्थात माता शक्ति का वरदान अब शीघ्र ही सत्य होने वाला है। हाँ स्वामी। महारानी, तुम शक्ति की माता। हाँ। और हम शक्ति के पिता। हमारे जैसा सौभाग्यशाली इस संसार में कौन होगा। स्वामी आप खड़े क्यों हैं? जाइए ना, मंगल में शक्ति के आह्वान की व्यवस्था करवाइए ना। जाइए ना। जाते हैं जाते हैं। ओम महादुर्गाय नमः स्वाहा। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बाय नमः स्वाहा। Yeah.
नमः स्वाहा। ओम महादुर्गायै नमः स्वाहा। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अम्बिकायै नमः स्वाहा। ओम अम्बालिकायै नमः स्वाहा। ओम प्रसीद भगवत्यै प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माते नमोस्तुते। ओम प्रसीद भगवत्यै प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद भक्तवरदे जगन्माते नमोस्तुते। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अम्बिकायै नमः स्वाहा। ओम अम्बालिकायै नमः स्वाहा। ओम महाशूलिन्यै नमः स्वाहा। ओम महादुर्गायै नमः स्वाहा। ओम भगवत्यै नमः स्वाहा। ओम अम्बायै नमः स्वाहा। ओम अम्बिकायै नमः। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया है। सारा वातावरण आनंदमय हो गया है। हमारी प्रसन्नता का सबसे बड़ा दिन है। हमें एक दिव्य कन्या का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। हमारी मनोकामना पूर्ण हो। प्रजाजनों में घोषणा करा दो कि राजकन्या के जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाए। Okay.
मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आए, ये शुभ दिन आया है, हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आए, ये शुभ दिन आया है, हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। मन डोले डोले हमरा ये आए, ये शुभ दिन आया है, हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ठहरो, कौन हो तुम? कहां से आए हो? कहां रहते हो? निश्चित स्थान कोई नहीं मेरा, रमता योगी हूँ। नारायण नारायण। योगी नहीं, कोई ढोंगी हो तुम। सिर पर कंगूरा, हाथ में तमूरा, कोई विचित्र प्राणी लगते हो। विचित्र तो मुझे तुम सब भी दिखाई देते हो। हम तुम्हें विचित्र दिखाई दे रहे हैं, हम शिवगण हैं। उन्हीं शिव के मुझे दर्शन करने हैं। दर्शन नहीं हो सकता, वे समाधि में हैं। ठीक है, मैं समाधि टूटने के पश्चात ही दर्शन कर लूंगा। नारायण नारायण। तब तक मैं यहीं बैठ जाता। नहीं नहीं, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। चलो 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 रक्षा कीजिए। क्या कष्ट है मुनिवर? अपने इन महाकष्टों से बचाइए महादेव। प्रभु, ये विचित्र मानव बिना आज्ञा यहाँ तक चला आया। ये देवर्षि नारद हैं। इन्हें तीनों लोकों में किसी भी समय कहीं भी आने जाने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें प्रणाम करो। हमें क्षमा कीजिए मुनिवर। हर हर महादेव। नारायण नारायण। आयुष्मान भव। नारद, आपके आने का प्रयोजन ही भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत होता है। भविष्य के रचयिता भगवान भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है? स्पष्ट कहिए देवर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं? हर हर महादेव। प्रभु, आंखें बंद करके आपने अपने ध्यान में वो सुहाना दृश्य नहीं देखा? जगत कल्याण की कामना से हम ध्यान में लीन थे मुनिवर। जगत कल्याण तो तभी संभव है प्रभु, जब माता आदिशक्ति। आदिशक्ति की लीला देखने के लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी होगी मुनिवर। प्रतीक्षा? नारायण नारायण। आपकी ध्यान समाधि का एक पल एक युग में बीत जाता है, परंतु आप तो जानते हैं प्रभु, मैं स्वभाव से उतावला हूं, प्रतीक्षा का एक पल भी मेरे लिए कठिन हो जाता है। भवितव्य की प्रत्येक योजना पहले से ही निश्चित होती है मुनिवर। हर हर महादेव। ढाई घड़ी बीत चुकी है प्रभु। नारायण नारायण। यही दिव्य रूप मेरे हृदय में सदा विराजमान है। राजकुमारी, राजकुमारी सती। सती, पूर्णचंद्र ने तुम्हारी स्वरूप को चंद्रमुखी बना दिया है।
अपने इस मोहक मुखड़े को दर्पण में देखो, उस चंद्रमा में क्या देख रही हो? मेरी आंखों से देखोगी तब तुम्हें ज्ञात होगा मैं उसमें किसे देखती हूँ। मृगनयनी, तुम्हारे जैसी आंखें मैं कहाँ से लाऊं? अब तुम ही बता दो किसे देख रही हो। अपने प्राण प्रिय शिव शंकर को। क्या, तन पर भभूत लगाए हुए ध्यान मग्न रहने वाले योगी उन्हें तुम चंद्रमा में ढूंढ रही हो? हाँ सखी, मेरे हृदय की हर धड़कन में वही समाये हुए हैं। हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं का दर्शन होता रहता है। सोचो तो राजकुमारी, कहाँ तुम दक्ष प्रजापति की राजकन्या और कहाँ वो एक वैरागी, तुम्हारी उनकी तुलना क्या? हाँ सखी, मेरी उनकी क्या तुलना? वो एक सूर्य, मैं मात्र किरण। वो सागर, मैं एक बूंद। वो स्वामी, मैं एक दासी। उनकी आराधना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मेरे स्वामी
धन्य धन्य हो सती, शिव संगिनी होकर भी तुम्हें उनके दर्शन के लिए इतना कठोर तप करना पड़ रहा है। शिव लीला निराली है ब्रह्मदेव, भगवान शिव शंकर को पति रूप में पाने के लिए सती का किया गया ये नंदा व्रत आने वाले युगों में स्त्री जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन है। विष्णुदेव, कैलाश चलकर भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जगत कल्याण के लिए सती को दर्शन देकर इनकी मनोकामना पूर्ण करें। सती, बेटी, बेटी सती कहाँ हो तुम? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज। राजकुमारी कहाँ है? यहीं कहीं होंगी महाराज। परंतु कहाँ? बेटी सती कहाँ हो तुम? मीनाक्षी। प्रणाम महाराज। वरदाक्षी। प्रणाम महाराज। सती दिखाई नहीं देती, कहाँ है वो? महाराज, हम भी उनको ही ढूंढ रहे थे, संभवतः अंतापुर में हो। ओ वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी, वीरणी, महारानी, वीरणी, महारानी, राजकुमारी यहां भी नहीं, भवन में भी नहीं, तू कहां है? राजप्रासाद में उसका मन लगता कहां है स्वामी? क्यों, क्या कारण है? उसे रात दिन शिवजी की धुन लगी रहती है, उन्हें पाने के लिए ही उसने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। ये नंदा व्रत क्या होता है? कुमारी कन्याएं अपना मनोवांछित वर पाने के लिए इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जागिए प्रभु भोलेनाथ, जागिए। देवाधिदेव महादेव की जय। पधारिये ब्रह्मदेव, पधारिये विष्णुदेव।
आप दोनों ने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? प्रभु, हम आपकी सेवा में निवेदन करने आए हैं। आज्ञा कीजिए। भोलेनाथ, तनिक सती की ओर भी ध्यान दीजिए। आपको पति रूप में पाने के लिए सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया है। आपके दर्शन में विलंब होने के कारण सती ने अन्न जल तक त्याग दिया है। सती को दर्शन और आश्वासन देकर उन्हें कठोर तप से विरत कीजिए भगवान। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है विष्णुदेव। यदि सती की तपस्या पूर्ण हुई तो हम उसे अवश्य दर्शन देंगे। हम धन्य हुए महादेव। दक्षनंदिनी, शिव तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं, आंखें खोलो, आंखें खोलो। सती, वियोग तो जगत को दिखाने के लिए है सती। हम दोनों एक दूसरे से अलग ही कब हुए थे? जगत के प्रपंच में पढ़कर आपने मुझे वियोगिनी बना दिया, मेरे धैर्य की परीक्षा लेते रहे। सती, जब तुमने नारी जन्म लिया है तो संयोग वियोग की आंख मिचौली तो खेलनी ही पड़ेगी। मुझे योगी और तुम्हें वियोगिनी बनना ही था। हमें संसार के सामने मनुष्यों की भांति लीलाएं करनी होंगी। नहीं महादेव, आप जब तक विवाह की स्वीकृति नहीं देंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। एक सामान्य नारी की भांति अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा ना सोचो सती, ऐसा सोचना तुम्हारे लिए उचित ना होगा। अब यह कठिन तपस्या छोड़ो। मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी द्वारा तुम्हारे पिता दक्ष को विवाह का प्रस्ताव भिजवाऊंगा। प्रभु, महारानी सती के विवाह की चिंता ना करो, उसका व्रत निष्फल नहीं जाएगा। परम पूज्य ब्रह्मदेव की जय। 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 आयुष्मान भव। हमारे अहोभाग्य परम पूज्य, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। परम पूज्य, आप उचित समय पर पधारे हैं। हम राजकुमारी के विवाह के विषय में आपसे परामर्श करना चाहते हैं। मेरे आने का भी यही उद्देश्य है पुत्र दक्ष। मैं शिवशंकर की ओर से शिव और सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अहो भाग्य, आपने हमारे मन की बात कह दी पिताश्री। शिवशंकर का संदेश सुनकर हम धन्य हुए। परम पिता, हम इसी दुविधा में थे कि शिव शंकर के पास सती के विवाह का प्रस्ताव
कैसे भेजें? शुभश्य शीघ्रम। वत्स दक्ष, शिव सती के विवाह की घोषणा कर मंगल कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा पिताश्री। महामंत्री जी महाराज, प्रजाजनों में घोषणा कर दीजिए कि हमारी पुत्री सती का विवाह कैलाश निवासी शिव शंकर से हो रहा है। जो आज्ञा महाराज। परम पिता ब्रह्मदेव की जय। परम पिता ब्रह्मदेव की जय। सती बेटी, बेटी माँ, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, बहुत प्रसन्न हूँ। कितनी भाग्यशाली है तू, शिव शंकर ने स्वयं विवाह का प्रस्ताव भेजा है। कितने दयालु हैं महादेव, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई। तुम देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी बनोगी। मेरी कोख धन्य हुई बेटी, मेरी कोख धन्य हुई। माँ, ये सब माता पिता के आशीर्वाद का फल है। माँ नहीं बेटी, ये तुम्हारी साधना आराधना का परिणाम है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ बेटी, बहुत प्रसन्न हूँ। माँ बेटी, बधाई हो। चला। अरे फुलवारी में थिरकने वाली ये चंचल हिरनी को लज्जा का गहना किसने पहना दिया? चला। अरे अभी अभी तो फूलों को अपने प्रियतम का संदेश सुना रही थी, हमसे कैसी लज्जा? सखी हमें भी तो बताओ अपने चिच्चोर की बातें। चला नखट कहेगी, कोई बात हो तो बताओ ना। अरे सती को क्या हुआ, इसका अंग अंग हिम की भांति शीतल लग रहा है। पगली कहीं की, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब तो दिन रात कैलाश से आने वाली मधुर बयार इनके तन मन को शीतल बनाएगी। भोलेनाथ का संदेश जो आया है। संदेश? कौन सा संदेश? अब भोलीला बनो सखी, भोलेनाथ की प्रिया भोली नहीं तो और क्या होगी। बताओ ना सखी, भोलेनाथ ने कैलाश से ब्रह्मा जी को विवाह का प्रस्ताव लेकर भेजा, तो क्या आपके लिए कोई संदेशा नहीं भेजा? भेजा है। कैसा संदेश? अपने चरणों की दासी बनाने का। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गा। Give him up.